हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म है वो बी फॉर्म सेकंड सेम यूनिट वन का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये आपके फोर्थ सेम में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फॉर्म ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो आइसो और इसे ही हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट क्या होता है, इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो डिफरेंट होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इथेनॉल होता है और मिथॉक्सी मिथेन होता है। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 एंड C2H6, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 76 होता है और एक का क्या होता है 17 होता है। और इसे रूम टेम्परेचर में रखने पे इथेनॉल होता है लिक्विड फॉर्म में और मिथॉक्सी मिथेन होता है गैस फॉर्म में। और जब हम इथेनॉल में सोडियम ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो हाइड्रोजन बनाता है, और जब हम मिथॉक्सी मिथेन में सोडियम ऐड करते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता, मतलब इसकी क्या होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म है वो टू टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, चैन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, मेटामेरिज्म आइसोमर्स और टाउटोमेरिज्म आइसोमर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स है वो थ्री टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं वो देखते हैं आप। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, व्हेन द आइसोमर्स इज ड्यू टू डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो रहते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहती है वो डिफरेंट होती है। नेम दिया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है लेकिन इसका क्या सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है, अपना फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है इसमें चैन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। इसका क्या होता है, सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन जो कार्बन नंबर होती है मेन चैन में वो डिफरेंट होती है। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल ब्यूटेन। ब्यूटेन में है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में ध्यान रखना, जो लास्ट सेकेंड कंपाउंड में अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसका नेम क्या हो जाता है, आइसो उसमें अटैच हो जाता है, तो नेम क्या हो गया इसका, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या, कितने कार्बन है मेन चेन में, 4 कार्बन, लेकिन इसमें क्या आइसोब्यूटेन में सिर्फ 3 कार्बन है और नीचे जो CH3 हो क्या है इसका साइड चेन हो गया। तो इस टाइप से इसमें क्या होता है, मेन चेन में कार्बन का जो नंबर रहता है वो डिफरेंट है। तब नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, इसका जो पोजीशन होता है फंक्शनल ग्रुप का वो डिफरेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल लेते हैं 1-bromobutane एंड 2-bromobutane। तो 1-bromobutane में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H9Br। 2-bromobutane का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H9NBr। तो इसमें क्या होता है, Br जो है वो 1-bromobutane में 1 पोजीशन में अटैच है और 2-bromobutane में क्या है, सेकंड पोजीशन पे अटैच है। ठीक है, तो इस टाइप से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो तो उसे क्या कहा जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड देखते हैं, इसमें है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट रहता है लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। तो इथाइल अल्कोहल का, इन दोनों का क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है C2H6O होता है। तो इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, OH कंपाउंड अटैच रहता है और डाइमिथाइल ईथर में क्या होता है, सिर्फ इसमें क्या अटैच रहता है, ऑक्सीजन अटैच रहता है। तो इस टाइप का इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण इसका नाम क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं मेटोमेरिज्म आइसोमर्स। मेटोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके
लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो हमारे कार्बन एटम्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, सेम होती है। जैसे एग्जांपल में देखिए डाई इथाइल इथर, इसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पे दो दो कार्बन है, लेकिन मिथाइल प्रोपाइल इथर में देखिए इसमें ऑक्सीजन के कितने लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है और राइट साइड पे तीन कार्बन है। तो इसे क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म आइसोमर्स। नेक्स्ट देखते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये क्या होता है, टॉटोमेरिज्म इज शोन बाय दोस कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करने के लिए क्या करता है, जो हाइड्रोजन रहता है ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है और वहां पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाती है और कार्बन और CH3 के बीच में क्या होती है, डबल बॉन्ड बन जाती है। तो जो हाइड्रोजन जो एटम है उनका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। इसका कीटो फॉर्म है और इसका क्या है, इनॉल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, सेकंड वाला स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इसका फर्स्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें दो इम्पोर्टेंट होता है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो इसका डील दोनों का ही देख लेते हैं। तो जियोमेट्रिकल में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज सीस ट्रांस आइसोमर, इसे क्या कहते हैं, सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और इसमें डबल बॉन्ड जो रहता है होना जरूरी रहता है, डबल बॉन्ड के बगैर जियोमेट्रिकल आइसोमर उसे हम नहीं कह सकते। जैसे कि इसका सीस देखिए, एग्जांपल में सीस है, तो सेम कंपाउंड अगर कार्बन एटम के सेम साइड पे अटैच हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सीस। लेकिन अगर क्या हो, डिफरेंट कंपाउंड जो है वो अपोजिट साइड में हो कार्बन एटम्स के, तो इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, लेकिन क्या होता है, इसमें कायरल कार्बन जो रहते हैं वो अटैच रहते हैं और इनका क्या होता है, ओरिएंटेशन जो रहता है ग्रुप का वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, और इसमें sp3 क्या पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ये देखिए एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज में है, तो इसमें क्या होगा, हम मिरर शो करेंगे, तो मिरर शो करने के बाद हमारा HOOC क्या चला जाएगा, उस साइड पे अटैच हो जाएगा, बन जाएगा COOS। तो इस टाइप से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, डिफरेंट पोजिशन पे चले जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।